हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ द लेंस। और पावर की डेफिनेशन होती है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। लेंसेज हमारे दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस और सेकेंड होता है आपका कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, बिकॉज रे ऑफ लाइट जितने भी पैरेलल आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट लेंस से पास होने के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। तो रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और एक पॉइंट पे मीट हो रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। उसी तरह कॉनकेव लेंस पे देख सकते हैं, ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई और यहाँ से डाइवर्ज हो गई। सिमिलरली रे ऑफ लाइट यहाँ पे गई और रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो गई। बट ऐसा लग रहा है ये वाली जो रे ऑफ लाइट है ये किसी पॉइंट से निकल के आ रही है। सिमिलरली ये वाली रे ऑफ लाइट किसी पॉइंट से निकल के आ रही है, तो इसका फोकस वर्चुअल फोकस होगा और इसका फोकस रियल फोकस है। तो हमें क्या पता लगा, जो कॉनवेक्स लेंस है वो हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं उसे, और जो कॉनकेव लेंस है हम उसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। इसके अलावा अब आपको ये ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ की डेफिनेशन क्या होती है। तो फोकल लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। जैसे मिरर्स में पोल होता था मिड पॉइंट, उसी तरह लेंसेज का मिड पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो डिस्टेंस बिटवीन, अगर आप यहाँ देखें कॉन्वेक्स लेंस में, इस ओ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ होगा। तो ये डिस्टेंस राइट हैंड साइड में आ रहा है लेंस के, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो उससे क्या कंक्लूजन निकल सकता है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। अब जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो उसकी पावर भी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो क्या स्टेटमेंट निकला हमारे पास, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड केस में समझते हैं एक बार दोबारा इसे, कि सेकंड केस में क्या हो रहा है। सेकंड केस में हमारे पास दिया हुआ है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो ये डिस्टेंस आप ध्यान से देखिए क्या है, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, यहाँ पे फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो इस केस में अगर आप यहाँ पुट करोगे इस फॉर्मूले में, P इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, इस फॉर्मूले में पुट करोगे, तो पावर, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव आ जाएगी। तो स्टेटमेंट क्या बना, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो दो बातों का ध्यान रखना है आपको, कॉन्वेक्स लेंस है अगर तो इसकी पावर पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस है तो इसकी पावर नेगेटिव। नेक्स्ट, आप दोनों डायग्राम में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक डायग्राम में हमें अगर देखें फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगी, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक, और इस केस में भी सेम है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फोकल लेंथ काफ़ी स्मॉल है, शॉर्ट फोकल लेंथ, और इस केस में फोकल लेंथ काफ़ी लॉन्ग है। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला ये डायग्राम है ये बहुत जल्दी कन्वर्ज कर रहा है, और जो सेकेंड डायग्राम है ये बहुत लेट कन्वर्ज कर रहा है। मीन्स फर्स्ट वाले केस में कन्वर्जिंग पावर तो हाई है बट फोकल लेंथ शॉर्ट है। तो रिलेशन क्या निकला हमारे पास, यहाँ से एक रिलेशन निकला है, डेट इज पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। ये रिलेशन निकला है हमारे पास कि पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फोकल लेंथ के। तो ये हमारे पास एक रिलेशन निकला है, और आप सेकेंड वाले में भी इसे देख सकते हैं। सेकेंड वाले में क्या दिया हुआ है, इनकेस सेकेंड हमारे पास दिया हुआ है कि लार्ज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यहाँ पे लॉन्ग है, तो इसका मतलब इसकी कन्वर्जिंग पावर लो होगी। तो यहाँ से एक सिंपल सा कंक्लूजन निकल के आता है, अगर हमारे पास फोकल लेंथ डिक्रीज होगी तो पावर उस केस में ज़्यादा होगी, ये रिलेशन निकल आता है। तो पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। और अगर आपसे पूछें कि पावर कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है लेंसेज के, तो आप बोलेंगे पावर डिपेंड्स ऑन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। आइए कुछ क्वेश्चंस ध्यान पे देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। वन डायोप्टर की डेफिनेशन क्या होगी, सो पावर का जो एसआई यूनिट होता है वो ध्यान देने वाला है कि एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। हम यहां पे लिख लेते हैं इसे, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू डायोप्टर, कैपिटल डी से इसे डिनोट करते हैं। तो एसआई यूनिट पावर का क्या होगा, डायोप्टर। आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ ए पावर ऑफ अ लेंस। वन डायोप्टर की डेफिनेशन क्या होगी, पावर इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। हमें चाहिए यहाँ पे वन डायोप्टर, यानी पावर की जगह पे वन आना चाहिए, और फोकल लेंथ का यूनिट होता है मीटर्स में। तो हम क्या बोलेंगे, वेन द फोकल लेंथ इज वन मीटर,
अगर मैं फोकल लेंथ की जगह पे इसकी जगह पे 1 मीटर पुट करूं तो पावर कितना आ जाएगा देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे पी इज इक्वल टू 1/1, दिस कम्स आउट टू बी 1 डायोप्टर। तो डेफिनेशन क्या हुई, व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 1 मीटर देन द पावर इज सेट टू बी 1 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। क्या मतलब है इसका, हमें पावर निकालनी है कॉनकेव लेंस की जिसका फोकल लेंथ है 2 मीटर। अभी हमने देखा था एक डायग्राम में कि फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कॉनकेव लेंस में, तो फोकल लेंथ हम क्या लेंगे, -2 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कैसे होगा ये, पावर इज इक्वल टू 1/f, दिस कम्स आउट टू बी 1/-2, सो आंसर आ गया -0.5 डायोप्टर। यानी पावर नेगेटिव में हो गई, और नेगेटिव में क्यों हुई, बिकॉज कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। थर्ड क्वेश्चन में उल्टा दिया हुआ है, अब पावर की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर एंड व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। सबसे पहले तो अगर पावर नेगेटिव है तो कौन सा लेंस है ये, दिस लेंस इज कॉनकेव लेंस। नाउ पावर कितना दिया हुआ है हमारे पास, पावर इज गिवन -2 डायोप्टर, तो पावर इज -2। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, 1/f इज इक्वल टू -2। तो यहां से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, फोकल लेंथ की, तो दिस इंप्लाइज फोकल लेंथ f कितना आ जाएगा, -1/2। सो अगेन आंसर इज -0.5, बट अब आंसर आएगा मीटर्स में, बिकॉज फोकल लेंथ विल बी इन मीटर्स। तो इस तरह आपने देख लिया कि क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरह करना है। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th में दिया हुआ है, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को एडवाइस किया है कि आपको ये पावर लगानी है जिसकी पावर हो +1.5 डायोप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा वो भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4th, पावर की वैल्यू दी हुई है +1.5 डायोप्टर। अब पावर पॉजिटिव किस केस में होती है, पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस में, और कॉन्वेक्स का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग। तो इसका सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, दिस लेंस इज कन्वर्जिंग। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, अब इसकी फोकल लेंथ की वैल्यू निकालनी है। तो पावर इज +1.5, पी इज इक्वल टू 1/f, तो f कितना हो जाएगा, 1/p। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार कैसे होगा ये, तो f की वैल्यू 1/1.5, डेसिमल हटाएंगे तो 0 ऊपर, 5 2 10 और यहाँ पे 3, दिस कम्स आउट टू बी 0.66 और आंसर विल बी इन मीटर्स। ये अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ आई है 0.66 मीटर। इस तरह हम सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। सो पावर अगर पॉजिटिव दी हुई है तो लेंस कौन सा होगा, कन्वर्जिंग। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिफाइन पावर ऑफ ए लेंस। तो डेफिनेशन का आंसर क्या होगा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स, किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो इसका भी आंसर होगा, इट डिपेंड्स ऑन फोकल लेंथ। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, ये अभी हमने लिखा था, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th को कर लेते हैं पहले। यहाँ पे दिया हुआ है, अ थिन लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ -25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, इसकी पावर कितनी है, और दूसरा व्हाट इज इट्स नेचर, लेंस का नेचर क्या है। सो फोकल लेंथ नेगेटिव किस केस में होती है, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कॉनकेव लेंस के केस में। तो ये जो पार्ट दिया हुआ है नेचर, इसमें हम क्या लिखेंगे, लेंसेस कॉनकेव लेंस। और क्या दिया हुआ है हमारे पास, हमें पावर कैलकुलेट करनी है। अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो P इज इक्वल टू 1/f में जो फोकल लेंथ है वो किस में होनी चाहिए, मीटर्स में। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि मीटर्स में करना जरूरी है। तो P इज इक्वल टू आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू 1/-25 है यहाँ पे, और ये 25 जो दिया हुआ है ये किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में है। तो आप इसको डायरेक्टली अभी पुट नहीं कर सकते, तो पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू -0.25 मीटर्स, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे। अब पुट करते हैं, P इज इक्वल टू 1/-0.25, डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरोज ऊपर, तो ये हो जाएगा -100/25, तो आंसर आ गया हमारे पास -4 डायोप्टर। इस तरह आपने ध्यान रखना है
हमने इसमें किस चीज़ का ध्यान रखा, हमने ये ध्यान रखा कि ये जो फोकल लेंथ है ये किस में होनी चाहिए, मीटर्स में। क्लियर हो गया आपको? अब एक टॉपिक देखते हैं कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कई सारे लेंसेज को एक साथ लगाया हुआ है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, एक सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा कॉन्केव लेंस है, तो इस केस में अगर टोटल पावर निकालनी होगी तो क्या आएगा, एक की पावर अगर हम P1 लेते हैं और दूसरे की P2, तो हो जाएगा P1 प्लस P2। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, और अगर और भी होंगे तो इसके लिए हमने प्लस डॉट 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 लगाया हुआ है ताकि और भी पावर को हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। सो आई होप आपको क्लियर हो गया ये टॉपिक पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। अब आइए इसके ऊपर एक सिक्स क्वेश्चन बेस है, उसे भी एक बार कोशिश करते हैं करने की। क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, इसमें लिखा हुआ है टू लेंसेज ऑफ पावर प्लस 3.5 डायोप्टर एंड माइनस 2.5 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। तो क्या दिया हुआ है इस केस में वो देख लेते हैं एक बार। पावर जो 1 दी हुई है, दिस कम्स आउट टू बी 3.5 डायोप्टर, एंड पावर जो 2 दी हुई है माइनस 2.5 डायोप्टर। इतना तो क्लियर है यहाँ से कि ये पावर कॉन्वेक्स लेंस की है और ये पावर कॉन्केव लेंस की है। तो अगर मुझे टोटल पावर निकालनी है तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 कर देंगे, एट इज 3.5 प्लस ब्रैकेट में माइनस 2.5, दिस कम्स आउट टू बी 1 डायोप्टर। टोटल पावर कितनी आ गई, 1 डायोप्टर। अब फोकल लेंथ भी हम टोटल निकाल सकते हैं, P इज इक्वल टू 1/F पुट करेंगे अगर, तो F कितना हो जाएगा, 1/P, 1/1, सो आंसर इज 1। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, 1 मीटर। ये जो फोकल लेंथ आई है ये पावर ऑफ कॉम्बिनेशन की आई है हमारे पास, और उसी तरह ये जो पावर आई है ये टोटल पावर आई है। तो इस तरह हम क्वेश्चंस कर सकते हैं विच आर बेस्ड ऑन पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उससे आपका ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद वन अनदर। दो लेंसेज को एक साथ रखा हुआ है, उनकी फोकल लेंथ दी हुई है। तो क्या क्या लिखा हुआ है इसमें देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट आपको दिया हुआ है एक कॉन्वेक्स लेंस है, और उस केस में जो फोकल लेंथ है इसको हम F1 ले लेते हैं, 25 सेंटीमीटर। चेंज करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, 0.25 मीटर। सेकेंड केस में क्या दिया हुआ है हमारे पास, F2 कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे, -10 सेंटीमीटर, और अगर हम इसको चेंज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है ये -0.1 मीटर। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज दी हुई है, फोकल लेंथ F1 और फोकल लेंथ F2। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, इसकी पावर क्या होगी। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों की इंडिविजुअल पावर निकाल लेते हैं। यानी फर्स्ट वाले पार्ट में अगर पावर निकालें तो P1 इज इक्वल टू 1/F1, 1/0.25, दिस कम्स आउट टू बी 100/25, और इसका यहाँ पावर निकल रही है 4 डायोप्टर। और सेकेंड केस में अगर हम कैलकुलेट करें तो P2 कितना हो जाएगा, 1/F2, और यहाँ पे 1/-0.1, दिस कम्स आउट टू बी माइनस यहाँ पे आएगा 10। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, -10/1, और आंसर इज -10 डायोप्टर। ये दो पावर निकाल ली। अब फर्स्ट पार्ट हम कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये हो जाएगा टोटल पावर। तो 4 प्लस ब्रैकेट में -10, आंसर इज -6 डायोप्टर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास, टोटल पावर इज -6 डायोप्टर। अब इसके सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट कहता है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब इस पार्ट के लिए हम कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अगेन, पी इज इक्वल टू 1/F, और यहां से हमारे पास हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/P, और अब जो P की वैल्यू लेंगे वो टोटल पावर लेंगे, तो 1/-6, दिस कम्स आउट टू बी -0.16 अप्रॉक्सीमेटली है ये, और आंसर आएगा मीटर्स में। और अगर हम
एक डिजिट और लेके चलें यहाँ पे तो आएगा -0.16 और एक सिक्स और आएगा और ये आ जाएगा मीटर्स में। इस तरह हमारे पास फोकल लेंथ आ गई है। लास्ट पार्ट क्या पूछा हुआ है पढ़ लेते हैं एक बार। इज दिस कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग? तो अगर हम ध्यान से देखें हमारी जो टोटल पावर है वो कितनी आ रही है, -6 डायोप्टर। अब -6 आ रही है तो पावर नेगेटिव कब होती है, जब लेंस कन्वर्जिंग होता है या डाइवर्जिंग। लेंस होता है कॉनकेव एंड कॉनकेव इज डाइवर्जिंग, तो सी पार्ट का आंसर हो जाएगा डाइवर्जिंग। तो इस तरह से हमने देख लिया कि पावर के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये पूरा कंप्लीट टॉपिक दिया है मैंने पावर के ऊपर, जिसमें से कम एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आ सकता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।